हेलो एवरीवन, हाँ हेलो एवरीवन। उदयपुर सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट ये ड्रीम रहता है कि वो आईआईटी और जेई नीट में सेलेक्ट हो। इसके लिए उनको कांस्टेंट गाइडेंस और इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जेई और नीट में सेलेक्ट हुए हैं। ये जो एलुमिनी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये एंटरप्रेन्योर जो हैं, ये आपके लिए हेल्प करेंगे, आगे चल के आपके मेंटर्स की तरह वर्क करेंगे। इसके लिए रेडियस एकेडमी ने एक यूनिक प्रोग्राम तैयार किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम जिसे जाना जाएगा, स्टार्ट कर रही है। ये प्लेटफॉर्म एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा आपके और इन एल्यूमिनी के बीच में। इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा, जैसे आप लोग पहले नीट या जेई की तैयारी करते हैं उसके लिए इलेवंथ या ट्वेल्थ में आप लोग कैसे फेस करते हैं चीजों को, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी या गाइडेंस देना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, एग्जाम होने के बाद में किस तरह से आपको चीजों को लेना है, वो सारी चीजें ये आप लोगों को बताएंगे इन मेंटरशिप प्रोग्राम के सेमिनार में और सारी चीजें। उसके बाद में आपका जैसे सिलेक्शन हो गया तो आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, जैसे जेई एडवांस वालों के लिए कौन सी ब्रांच लेनी है, क्या करना है, उसके बारे में बताएंगे, या नीट वालों के लिए कौन सा कॉलेज अचीव होगा, अच्छा रहेगा, उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद में वो अपना कॉलेज के ड्यूरेशन में वो किस किस तरीके से उसको फेस करते हैं, कॉलेज की लाइफ को किस तरह से फेस करते हैं, वहां पर किस तरह से स्टडी और एक्स्ट्रा करिकुलर को बैलेंस बना के रखना है, उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आफ्टर दिस जो आपकी जॉब वाली लाइफ है उसके बारे में आपको ये गाइडेंस देंगे, और आप उसके लिए फेस कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें, प्लेसमेंट में कैसा होगा वो सारी चीजें आपको बताएंगे। इस सबसे क्या बेनिफिट होगा, आइडिया से, गाइडेंस से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ये आपका बेनिफिट है। इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए हमने एक एलुमिनी का ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप आपसे टाइम टू टाइम, जैसे आज जैसे वेबिनार हम कर रहे हैं उसके थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, फेसबुक लाइव के थ्रू आपसे कनेक्टेड होंगे, और इनसे कनेक्ट होने के बाद में वो आपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस सेमिनार का जो रेडिएंट एकेडमी जो मेंटरशिप प्रोग्राम का है जो फर्स्ट सेमिनार है उसको हम आज कंडक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम का हम कंडक्ट करें इसके लिए मैं यश गुप्ता और कुशल बाबेल को इनवाइट करूंगा। यश गुप्ता की आईआईटी जेई में 163 रैंक थी, आईआईटी जेई एडवांस में 163 रैंक थी, केवीपीवाई में फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, वो हमसे पढ़े हुए हैं। कुशल बाबेल जिसकी आईआईटी जेई में 27 रैंक थी, जेई मेंस में थर्ड और केवीपीवाई में 8 रैंक थी, वो अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस फर्स्ट सेशन के लिए आपको मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ। ओवर टू यश। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वेरी गुड इंट्रोडक्शन। सो कुशल एंड आई आर हियर नाउ। सो या दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू जस्ट गेट इन टच विद अस विद द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन एट द उदयपुर अगेन एंड share our experience and see how we can help everyone to achieve whatever we could. So yeah, I'll also allow Kushal to speak. Thank you for the introduction. Main bas ye kehna chahunga ki jo mentorship program hai, this is something that jab main student tha tab mujhe laga ki iski zarurat thi, because एक तो आप अपने इमीडिएटली सीनियर्स को जानते हो जो एक दो साल सीनियर है, और एक अगर आप एलमनाइज को जाने, एलमनाइज से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनो, तो दैट प्रोवाइड्स अ बिगर पर्सपेक्टिव, वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन देता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड या लेट्स सी हाउ इट गोस। सो आज सेशन में विल हैव
three, four things. So, pehle, we'll just go over whatever short like points we have, and we can also have questions from students. So, you can post comments on Facebook Live, and we'll get to them. Whichever questions we find are like which would be useful for the students. And yeah, before that, so I'm just like on Radiant Academy itself, I'm very amazed, and it's a really good initiative by the teachers just for the benefit of students. So, and also like we have this mentorship program. So this is all very refreshing and good to know that teachers have taken such an initiative, and they're just for the continuity of education for the students and their career, they are sacrifices and taking such initiatives. So I'm really amazed by that. And yeah, the mentorship program itself, as Kushal said, like yes, the teachers role, like everyone feels it should be there, but no one has taken the initiative so far to have a program like this. So I'm also excited to share my ideas and just for whatever experience I have. So that's a good have. Yeah, just as a short introduction. So after JE, I joined IIT Delhi, and there I had a computer science branch. And after that, I went onto Samsung in South Korea and worked there for almost 3 years as a software engineer. So that was a good experience. And after that, presently I'm back in India, and I'm an entrepreneur now, so working on a startup. I'll also allow Kushal to give a short introduction of what he's doing right now. So, the benefit of so before that, I'd just like to make some comments on Radiant Academy. So Radiant Academy, it's basically this really noble initiative, I feel, because abhi jo sare disruptions hue hain, उसमें स्टूडेंट्स की कंटिन्यूटी बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को सेम टीचर्स से क्लासेस कंटिन्यू करवाने के लिए, एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम फॉर स्टूडेंट्स. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए. द अदर थिंग दैट आई फील अबाउट दिस एंटायर इनिशिएटिव इज, जैसे बाकी आप जितनी भी जगह देखेंगे आपको ऑनलाइन वीडियोज मिल जाएंगे, ऑनलाइन चीज़ें मिल जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ये वाली जो कम्युनिटी है, जो उदयपुर में कम्युनिटी है, रेडिएंट अकेडमी के जो टीचर्स की टीम है, सोमानी सर सब पीछे जो है, दीज आर सॉर्ट ऑफ वेरी डेडिकेटेड फॉर द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स. दे वॉन्ट देयर स्टूडेंट्स टू सक्सीड ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल. तो जैसे अभी हम आगे भी निकल गए, उसके बाद भी हमारे काफी अच्छे पर्सनल कनेक्शन है सारी टीम्स के साथ. तो they fully from their heart want their students to succeed, and that is very powerful. Agar aisa koi teacher karta to students will definitely succeed, which is why I think this is very special, at least for the Udaipur community. It's a good thing. A little bit of introduction about me. So main IIT mein computer science branch mein padha, IIT Bombay mein. Fir uske baad ek saal I worked in Bombay and Singapore in a finance firm. After that, अभी मैं अपना PhD परसी कर रहा हूँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क में. सो राइट नाउ आई एम इन इंडिया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट अदरवाइज आई एम स्टडिंग इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. मेरा PhD कंप्यूटर साइंस में ही है, कंप्यूटर सिक्योरिटी फील्ड. Awesome. Yeah, Kushal has already done a lot, so I think you're a very good inspiration for all the students right now. So yeah, just going forward, so so with this mentorship program, so today's topic will be just in general about how to achieve success and what are some effective preparation techniques. But uske alawa bhi for future we'll float a Google form, and all the students can input what kind of content do they want from the sessions, and what are the expectations, what are some topics that we should cover, or what are some of the people we should get on. So we'll do that after this session, so that in future we'll have more targeted sessions. And iske alawa, yeah, so today's topic is the journey to success, effective preparation techniques. So Kushal, what comes to your mind first when you think ki, like, agar JEE preparation wapas karni hoti, ya fir
if you have to tell something to your younger self, that like what could be some of the things that we should keep in mind or just be mindful of to maybe do better at JE and just after that? So right, I think so sort of JE thoda sa se, it's a marathon. Probably isme 2 saal prepare karne mein lagte hain, 3 saal prepare karne mein lagte hain, ज्यादा भी लगता है कभी कभी. तो इट्स अ मैराथन. एंड अगर आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको एंजॉय नहीं करोगे तो आप ज्यादा टाइम नहीं कर सकते. तो सबसे मेन चीज है कि यू शुड डेवलप अ लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट लाइक वन और टू सब्जेक्ट्स. तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए जस्ट फॉर स्टडिंग पर्पस. अगर आपका गोल जेई क्रैक करना तो होना ही चाहिए, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी भी करनी चाहिए, पर उससे पहले बिफोर दैट यू शुड डेवलप अ लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट. That is most important, I think. Matlab, this is not just for JE, but for any venture that you do. I'm sure Yash would agree. Like even for jobs, even for even for like further studies, everything, entrepreneurship. आपको उस चीज़ में real interest होना चाहिए. That's the first number one criteria. Yeah, definitely, I agree. Like having a natural motivation to like कि खुद से मन हो उसको करने का. Not just because someone is telling you to do it, या फिर सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं. So that's a very important point that you should be in, like in some ways you should be in love with the subject or whatever you do, the work, with the job. So उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कभी-कभी ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है कि शुरू में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस चीज में, मेरे को तो नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, राइट, आई डोंट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. मे बी हम लोगों को जो सक्सेसफुल एलुमनाई है उनको उनको पसंद आता होगा, मेरे को तो नहीं आ रहा. तो मेरे को ही लगता है कि इंटरेस्ट डेवलप भी हो सकता है. आपको शुरू में फिजिक्स पसंद नहीं आ रहा, मैथ्स पसंद नहीं आ रहा, तो अगर आप धीरे धीरे उस पर काम करते हो तो इंटरेस्ट डेवलप होते जाते हैं. जैसे मेरा एक स्टूडेंट, मेरा एक फ्रेंड था आई टी बॉम्बे, मैंने उससे पूछा था जाते कि तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो ही वॉज लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है. मैंने बोला क्यों, तो बोला क्योंकि मेरे इसमें नंबर ज्यादा आते हैं. तो आपके परफॉर्मेंस उसमें अच्छी हो रही है या फिर आपका उसमें अच्छा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, आपके टीचर्स उसमें बहुत अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लाइकिंग डेवलप हो जाती है, आई थिंक. या दैट्स राइटली सेड. लाइक इवन फॉर मी, आई थिंक आई यूज्ड टू लव मैथ्स, मैथमेटिक्स, लाइक बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. बट फिर जेई के लिए प्रिपेयर करने लाइक व्हेन यू स्टार्टेड एंड यू स्टार्ट गेटिंग मे बी लो मार्क्स इन वन सब्जेक्ट. सो फॉर मी पर्सनली दैट वाज गेटिंग लोअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स कंपेयर्ड टू मे बी फिजिक्स और केमिस्ट्री. सो यू मे बी स्टार्ट hitting the subject, so that's maybe the inverse of what you were saying. But yeah, you have to you should not lose like numbers, say losing the love of the subject or developing it. So that that should be the motive. Subject in itself is something that you should love. That's a good point. Yeah, and for me, I would say like the most important thing would be to just be consistent and like keep putting effort. So I've seen what happens often is like किसी भी चीज में, not just JE preparation, even like if I'm working on some project या job में कुछ है, anything like at IIT if an assignment या कुछ भी. So if you're consistent and keep doing even like just making small progress every day, every week, so that adds up a lot over time. So not slipping or losing on big chunks of time, that is very important. So कई बार होता है कि you put in a lot of effort and then maybe feel ki thoda burnout feel ho raha hai ya fir like man nahi kar raha hai whatever, and then you take a break and that break ends up being really long. So that break could maybe go on for a week ya fir ek hafte kuch padhai nahi kari ya whatever, like. So not getting into that kind of a situation is very important. So yeah, so that is one thing. So uske liye I have a very like ek example hai ki agar स्प्रिंट करने भागना है तो तुम 20 किलोमीटर पर आर से भाग सकते हो, बट वो शायद एक मिनट ही भाग पाओगे एंड फिर मे बी 5-10 मिनट उसके लिए उसके बाद रेस्ट करना पड़ेगा. सो अगर ओवरऑल लाइक सब जेई एस्पिरेंट्स है तो मैथमेटिक्स सबकी अच्छी होगी, तो अगर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो मे बी एक घंटे में एवरेज स्पीड आएगी 2 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर एट मैक्स. पर अगर एक स्टेडी पेस से मे बी जस्ट 5 किलोमीटर पर आवर से फिर कीप जॉगिंग, तो वो पूरे घंटे रेगुलर कर सकते हो एंड दैट विल गेट यू लाइक 2x फादर. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एनालॉजी जस्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट. इवन इफ यू आर नॉट द फास्टेस्ट रनर, यू कैन जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड अचीव योर गोल्स. आई गेट बैक टू कुशल.
Yeah, I would just like to add a little bit about consistency. Consistency maintain करने के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हर परिस्थिति में से संभाव रखना पड़ता है. संभाव बोले तो कि you need to be sort of not get really really happy when you get very good mark, और बहुत ज़्यादा ऐसे disappointment, बहुत ज़्यादा उसमें भी जाना तो कम marks आए तो हर चीज़ में आपको एक normal अपना काम maintain करना चाहिए. उससे consistency improve हो गया, I think. Yeah, that is important too. So, hamesha having the end goal in mind and not just like obsessing over कोई छोटे छोटे failure होते हैं या छोटी successes होती हैं उसको बहुत ज़्यादा obsess करना या उसके ऊपर ही अटक जाने से like it's important to keep a longer term vision in mind कि क्यों कर रहे हैं सब. So, अभी maybe for students would be that maybe so. There would be a different goal, so there might be a very short-term goal ki weekend your test ho raha hai usme usme acche marks aane hain ya fir usse short-term ho sakta hai ki degree puri karni hai something. So those are important to have, but at the same time for a longer-term goals ki JE mein acha perform karna hai, achi branch lani hai, achi IIT mein jana hai, so ye sab cheeze bhi important hai. So usse अगर लेट्स से कुछ छोटी चीज में फेल हो गए, यू कैन स्टिल फील मोटिवेटेड अबाउट कि अभी आगे वाला लाइक अभी बाकी है, यू कैन स्टिल गेट बैक ऑन ट्रैक एंड कर सकते हैं बहुत चीजें. सो आई थिंक वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड भी है कि दैट एज कुशल सेड दैट हैविंग नॉट गेटिंग टू हैप्पी और टू सैड ओवर अ फेलियर और अ सक्सेस दैट कैन हेल्प स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड to perform right now. Just like to add one more thing, so students can keep asking questions in the comments section. So and if we find some common questions, so in between we can take that up. Baki, yeah. Yeah. जैसे comment section थोड़ा देख भी रहा था, तो इसी same note पे I would like to add कि एक useful चीज़ है. जैसे कुछ लोग बोलते फिर भी कि मेरे को फिर भी I'm scared, जैसे कोई comment आया या फिर मेरे को डर लग रहा फिर भी, तो the useful thing या the most important thing to do here is be fearless. अगर आप exam से डरोगे, आपकी subject से डरोगे, आप छोटे छोटे exam से डरोगे, तो आप कभी subject पे focus नहीं कर पाओगे. And subject पे focus भी एक दूसरी secondary बात है, primary you will not be able to enjoy the process. जब आप process पूरा enjoy करते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनको वो दो साल काफी इंजॉयबल लगता है, तीन साल काफी इंजॉयबल लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना, अपने जिन टीचर्स को पूरा ट्रस्ट करते हैं उनके साथ पढ़ना, उनके साथ अलग से डाउट सॉल्व करना, तो पूरा अच्छा एटमोसफेयर होता है. तो डर के तो पास भी हो गए तो आप इंजॉय नहीं कर पाते दो तीन साल, तो डरने का तो कोई वो है ही क्वेश्चन. उसमें एक ट्रिक ये कर सकते हो, लाइक मेंटल ट्रिक ये है कि इमेजिन कि आपका नहीं हुआ आईआईटी में, तब भी इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, आगे और भी आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी. तो जब आप ऐसे इमेजिन करते हो तो आपको काफी हिम्मत आती है, काफी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, नाउ आई कैन बी फियरलेस, और अब मैं आराम से इसकी पढ़ाई कर सकता हूँ, नहीं होगा तो क्या हो गया, और भी चीजें हैं लाइफ में. तो उस एटीट्यूड से जब पढ़ोगे अपना एफर्ट जरूर देना, ऐसा नहीं कि नहीं करना है बिल्कुल, अब तो बिल्कुल फियरलेस हो गए तो केयरलेस नहीं होना है, बस वो मेन चीज है. राइट या आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है एंड या डेफिनेटली. सो yeah IIT mein nahi hua to bhi you can the colleges, there are a lot of things you can do, so this is just this one thing. So yeah, never give too much of a thought ki is why test mein nahi aaya. Yeah, I've even seen many students uska ek secondary effect ye bhi hota hai ki agar aap bahut zyada isse happy ho jate ho, aapko lagta hai ki IIT hi sab kuch hai wagera, to usme kya hota hai ki even if you are successful, jaise mere bahut sare friends the mere department mein, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाता है. एंड वो चीज अगर आपके दिमाग में घुस जाती है कि अब लाइफ सेट है, तो एक्चुअली सेट नहीं होती, और फिर आईआईटी के बाद आप सफर करते हो. ग्रेजुएट होने के बाद आपको आपकी जितनी अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है आपके पेरेंट्स की, सबकी, आपकी खुद की भी, जो आपको लगता है कि मैं कर सकता था, जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने की, वो आप उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाते हो. तो आईआईटी में जाने के बाद भी आपको कुछ लोगों को धक्का लगेगा कि उसके बाद भी आपको जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, सब कुछ सेट नहीं होता है. ऐसा बोलते कि एक बार आप पढ़ लो सब कुछ सेट है लाइफ में, तो आई थिंक ऐसा नहीं होता है. लाइक मैराथन तो है ही, आपको आईआईटी के बाद भी और भी तकलीफ आएगी, जो भी आएगा, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है. वन थिंग इज नॉट लाइक बी ऑल एंड एंड ऑल. राइट या जस्ट रिलेटेड टू दैट, लाइक एज कुशल वाज सेइंग कि इवन ड्यूरिंग दिस 2-3 इयर्स यू वाज इंटरैक्ट विद
your peer group, your friends, teachers ke saath, and like even with us maybe. So these are the things which you should maybe like enjoy to the fullest. And in that, I would like to add ki don't get bogged into competition too much. Like Udaipur mein jo log prepare kar rahe hain, so wahi log JEE nahi de rahe hain. JEE India se bahut log denge, maybe like 1-2 lakh ya kitne 15 lakh I think means ke liye. So आपस में sharing like कोई अच्छा question मिला और if you find a good technique to maybe solve something, तो ये सब चीजें share करना is very important. Like अगर बाद में if you study in IIT you'll find out something called zero sum game, which means कि अगर एक जने को जीतना है तो दूसरे को हारना पड़ेगा. तो that is not like that in JEE में. अगर अच्छा peer group है और सब लोग साथ में prepare कर रहे हैं तो actually सबका result improve हो सकता है, क्योंकि और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उदयपुर के बाहर या फिर रेडिएंट के बाहर या जो जहाँ भी जिससे भी तुम कम्पीट कर रहे हो. तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन और आपस में डिस्कस करना चीज़ें और छुपाना नहीं, एंड वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जस्ट इवन फॉर मी लाइक जब प्रिपेयर कर रहे थे आई वॉज लकी टू हैव अ वेरी गुड पीयर ग्रुप, एंड इवन इफ समटाइम्स आई कुडंट प्रैक्टिस या फिर सारे क्वेश्चन नहीं देख पाया या लाइक हर जना 10 बुक तो नहीं कर सकता सॉल्व. सो If कोई फ्रेंड है, he is doing a different book, उसने एरोडोर में कोई अच्छा क्वेश्चन किया, and he just shared that to me. So I found that very useful for me personally. Like I got to maybe practice a lot more or just know a lot more compared to what could have done just by myself. So that is important. Kushal, मैं याद करना चाहूँगा कि जैसे peer learning मेरे लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा important रहा है. आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए इवन आईआईटी में मेरे जो फ्रेंड्स के डिपार्टमेंट में और उसके बाद में पीएचडी में भी, तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने बोला था कि प्रोसेस एंजॉयबल होना चाहिए, आपका अच्छा पेयर ग्रुप होना चाहिए, तो उसका प्राइमरी बेनिफिट है कि आपके बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं जो आपको लाइफ में आगे भी हेल्प करेंगे. सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो जैसे मैं अपने सब दोस्तों को सारे बैचमेट को कुछ कुछ बताता रहता था, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उनको पता था कि मैं कोई क्वेश्चन तो ट्राई करूंगा, मेरे पास आएंगे मैं छुपाऊंगा नहीं और उनके ऑनेस्टली हेल्प करूंगा. तो मेरे पास जो जो क्वेश्चन उनसे नहीं होते थे वो लाते थे कि कुछ अलग ये बता कर, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिल्टर होकर आते थे, तो मुझे कहीं ज्यादा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी मेरे पास फिल्टर होकर आते थे दोस्तों से. तो वो पीयर ग्रुप का एक और दूसरा फायदा है आई थिंक. राइट वो एकदम लाइक जो नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है एफर्ट. सो अगर 3 लोग पढ़ रहे हैं तो शायद हर जने को एक की जगह लाइक 2-3 लोगों का बेनिफिट हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू लाइक इंक्रीज योर सो हैविंग एन एज इज इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग. सो एज मतलब कि कोई एडवांटेज होना चाहिए कंपेयर टू लाइक टू द लार्जर कॉम्पिटिशन. सो अगर उदयपुर में इफ यू कैन हैव दिस एज दैट यू हैव अ वेरी गुड पीयर ग्रुप एंड यू कैन लाइक जस्ट आपस में साथ में पढ़ाई करना, साथ में काम करना, सो दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स. आई थिंक यश हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी हम धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन यू वांट टू टेक? ओके आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द कमेंट्स कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं. जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि किस क्लास में आपने जेई की पढ़ाई स्टार्ट करी, तो इसका काफी इंटरेस्टिंग आंसर है मेरे पास. इसका इंटरेस्टिंग आंसर ये है कि ऐसे देखो तो 10th क्लास से स्टार्ट करी और ऐसे देखो तो मैंने 6th-7th क्लास से भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं हमेशा से जो बुक्स में दे रखा है स्कूल बुक में सीबीएसई बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स में तो उससे एडवांस नहीं पढ़ता था. 7th क्लास में जैसे मैं अपनी बहन की 8th क्लास की बुक्स पढ़ता था वैसा, तो कभी 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली. तो अब उसको जेई प्रिपरेशन बोलोगे आप या केवल इंटरेस्ट में पढ़ाई बोलोगे तो उस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, पर अगर इंटरेस्ट होता है तो फिर मैटर नहीं करता किस क्लास से स्टार्ट कर रहे हो. आई थिंक कंप्यूटर साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे पहले आईआईटी क्लास होने से पहले भी, तो अब आप कोई उनसे पूछे कंप्यूटर साइंस केवल आईआईटी के बाद से चालू कर रहे हो पढ़ना या उससे पहले से कब से तैयारी चालू करी, तो कब से कर रहे हैं? या आई थिंक वो सही बोला. सो स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि यू स्टार्ट डूइंग फॉर जेई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, शायद तक हमेशा ही जस्ट एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्निंग के लेकर, दैट्स फॉर एवरीथिंग लाइक नॉट जस्ट जेई. सो एज ही सेड कि कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर इवन आफ्टर यू डू एवरीथिंग लाइक कॉलेज हो गया सब हो गया उसके बाद इफ यू आर इन जॉब
you stop learning, so you stop growing. So that is, I think, the broader takeaway here. Ki, like always say, stay curious and just keep learning about things, stay updated. And abhi ke liye, that would mean like whenever you start, so it doesn't matter if you started in like 11th mein start kara. Kai log shayad tak, I think actually majority of students here would be starting in 11th. Uske pehle shayad tak JEE ke bare mein itna pata nahi hota hai. And you might be feeling ki baki logo ko advantage jo pehle se kar rahe hain, but that's not really the case. So even I remember when in my batch there were a few students who just like came in 11th and they totally took over, like wo kafi aage badh gaye. So I remember even like I think Palak came, she was not there from the start and kafi thoda baad mein aayi thi, and she ended up doing really well, in fact much better than me as well. And there were other students also who started late and did really well. So I think it's not that much of a worry that you should have ki maine late start kiya. Always the best time is to just start wherever you are. So if you're right now maybe in 11, then just start in 11th. Yeah, if you're fortunate enough to be aware of this before 11, then definitely start as early as you can. So that is a good point. One more question I see is the JEE main is important or not? I think yeah, that's important, right? Like every exam, every stage of the exam is important. And again, JEE main is just a subset of JEE advanced. Maybe thoda bahut different hota hoga. So don't think like ki ye wala exam in particular important hai ya nahi. I think it's more of the subject, as Kushal said, ki subject se tayar hona chahiye. So that remains same, right? Kushal, do you have any points there? हाँ, मैं यही बोलूंगा कि बेसिकली दोनों में काफी कॉमन सिलेबस है, कॉमन पैटर्न है, लाइक एमसीक्यूज वगैरह, तो मोरल लेस सिमिलर है. प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आप एडवांस की तैयारी करें तो मेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, पर उसमें एक आपका असेसमेंट खुद का होना चाहिए कि मेरे को मेन्स से अगर एडवांस मेरे क्या चांसेज, अगर नहीं है तो मेरे को मेन्स से मेन स्पेसिफिक थोड़ा कुछ तैयारी हो तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. बाकी मोर और लेस सिमिलर है, तो इतना कोई आपको एडवांस इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको मेंस भी इंपॉर्टेंट लगना चाहिए. या एंड आल्सो उसमें ओलंपियाड्स का भी, लाइक मेनी पीपल आर आस्किंग कि ओलंपियाड्स के वीपीवाई इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ डज दैट हेल्प. सो उसमें आई वुड से कि ओलंपियाड में डेफिनेटली काफी चीजें होती हैं जो शायद तक एडवांस में भी नहीं होती होंगी, बट स्टिल इट्स द जो टेंपर होता है स्टडी करने का. इफ यू आर क्यूरियस अबाउट द सब्जेक्ट एंड सो वो सब खुद का पता होगा कि अगर फिजिक्स में जैसे इंटरेस्ट है इतना कि यू फील तुम स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर जैसे एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हो, हैरी डेरेस में पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो जो मे बी जस्ट इट इज़ नॉट डायरेक्टली मे बी इम्पोर्टेंट फॉर जी, और अगर वो पढ़ने में मज़ा आ रहा है उसको नॉट डोंट काउंट दैट एज वर्क. तो एक वर्क और प्ले में डिफरेंस होता है. सो अगर ओलंपियाड से प्रिपेयर करना है, इफ इट्स प्ले फॉर यू, इट्स नॉट वर्क, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि ओलंपियाड में क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो शायद रिलेटिविटी और बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं रेलिवेंट होती है जेईई एडवांस के लिए. और फ्रैंकली स्पीकिंग राइट नाउ अगर मेरे से कोई पूछे तो आई एम डेफिनेटली हैप्पी आई कुड डू सो वेल इन ओलंपियाड, बट आई डोंट थिंक दैट्स दी सो इट मेक्स एनी चेंज इन डिफरेंस राइट नाउ. सो अभी ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ओलंपियाड में गए थे वाह, या फिर इसमें एम्प्लॉयर या जो भी सैमसंग गुड से कह रहे थे तुम ओलंपियाड में गए थे इससे तुम आ जाओ काम करने. सो ओलंपियाड आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन योर फ्यूचर, बट दे जस्ट गिव यू सो जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो गेटिंग द इंटरनेशनल एक्सपोजर या गेटिंग टू नो कि बाकी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, हाउ डू दे थिंक, हाउ डू दे फॉर द स्टडी एंड उनके क्या थॉट्स हैं. So I think again like peer group and just the experience itself, that's more important than having maybe a silver medal, a gold medal, whatever in Olympiads. So, and that's also true for KEPY. So KEPY maybe if you are able to get through it, go to the camp, get the fellowship, तो उसमें community बन जाती है and like maybe you will know. So what happened with me was when I went to IIT, I kind of knew 50% of people because उन लोगों को मैंने Olympiads में देखा था, Olympiads के camps में या फिर KEPY के कैंप में देखा था. एंड दैट इज़ ऑल वेरी लाइक इट्स वेरी मोटिवेटिंग टू सी कि एवरी वन जो भी लोग हैं यू नो सम ऑफ देम, एंड इट इवन मेक्स द जर्नी लाइक द जर्नी ऑफ गेटिंग इन टू द कॉलेज एंड गेटिंग
adapted to it easier. Kushal, what are your thoughts on this? Right, yeah, very well said. I think क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरे साथ भी, जैसे मैं जस्ट IIT में जाने से पहले फिजिक्स कैंप में 35 स्टूडेंट से मिला, केमिस्ट्री कैंप में 35 स्टूडेंट से मिला. तो जब मैं डिपार्टमेंट में गया तो हाफ ऑफ द पीपल वर ऑलरेडी नोन टू मी, हाफ से ज्यादा ही. तो और उसमें जो मेरे कैंप्स में जो मैंने जिन लोगों से मिला, जो फ्रेंड्स बने ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और वहां पर जिन टीचर से मैंने सीखा, उनसे भी मेरे बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं. अभी भी मेरे वो फ्रेंड्स हैं, वही फ्रेंड्स. जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहीं पे कई और PhD कर रहे हैं, कुछ कई जॉब कर रहे हैं. तो वो एक इतना अच्छा नेटवर्क बन जाता है कि वो लाइफ टाइम रहता है आपके साथ. IIT में भी, IIT के बाद भी जो वहाँ पे टीचर्स थे होमी बाबा सेंटर में, वो भी अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में है. तो वो चीज़ एक और फिर एक थोड़ा सा वो है कि अगर आपको रिसर्च करियर चाहिए तो थोड़ा सा उससे साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपका थोड़ा वो वाला कल्चर भी आ जाता है. जैसे आप अलग अलग लोगों से मिलते हो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हो, आप वहाँ जाके एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, काफ़ी काफ़ी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट, काफ़ी हार्ड एक्सपेरिमेंट. तो आपको एक वो साइंस के प्रति वैसा आ जाता है कि ऑलरेडी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो और बढ़ जाता है मेरे ख्याल से. राइट, या आई थिंक काफी वेरी गुड पॉइंट. लाइक स्पेशली इफ यू क्यूरियस, वांट टू लाइक रिसर्च का टेस्ट लेना हो कि कैसी होता है रिसर्च करना, या फिर लाइक व्हाट आर सम टॉप नॉच फैसिलिटीज. जैसे अगर होमी भाभा में जाओगे, यू विल गेट टू सी मे बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. सो वहाँ पे जस्ट लुक एट लाइक सम एक्सपेरिमेंटेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं, लाइक यू गेट टू प्ले विद लिक्विड नाइट्रोजन, या ऐसी चीज़ें जो सब टीवी पे देखी होंगी आज तक, यूट्यूब पे देखी होंगी. So all that was really like, and that was maybe like 6-7 years or even more, like 8-9 years ago for me. So at that time, so YouTube bhi itna popular nahi tha. So for that, for me, that exposure was really useful. Like just getting to see some biology experiments, yeah, some chemistry experiments in real life and all that stuff. So that is definitely a good experience. But yeah, right now I wouldn't say ki just having that tag with me ki mere CV mein likha hai ki theek hai gold medal tha ya jo bhi tha, that I don't think it makes a very big difference. True. I am looking at more questions. Isme like kuch questions common theme pe hai ki kitne ghante padhna chahiye aur aapka time table kya hona chahiye. To main thoda sa add karunga, fir I'll hand over to Yash. To mere khayal se as in general fund, I would say ki एटलीस्ट लाइक नंबर ऐसा बता रहा हूँ, पर ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट एटलीस्ट आपको 5-6 घंटे अपार्ट फ्रॉम क्लासेस खुद से सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है. बट दिस इज लाइक अ लोअर बाउंड, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही पड़ेगा. कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 6-7 घंटे पढ़ते हैं, पर उसमें आप कितना ज्यादा इफेक्टिव हो वो मैटर करता है. तो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि ऑनेस्टी टू वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको खुद को पता रहता है कि आपने 10 घंटे में से एक्चुअली कितनी पढ़ाई करी है. आपने 5 घंटे ही पढ़ाई करी है, यूड बी सरप्राइज अगर आप लिख के पढ़ाई करो कि मैंने ये पढ़ा है, मेरा ये मॉनिटर करो खुद को, तो यूड बी सरप्राइज कि आप 10 घंटे में से ऐसा भी हो सकता है केवल आधे घंटे पढ़ रहे हो. तो जो इफेक्टिवनेस है, जो ऑनेस्टी है कि हाँ मेरे को पता है मैं कितना पढ़ रहा हूँ, वो ऑनेस्टी टू वनसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. अदरवाइज आपको टीचर्स बोल देंगे ये करो, आप टीचर्स को थोड़ा फूल भी कर सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, किसी से आंसर कॉपी कर लिया, कुछ भी वो सब आप कर सकते हो, पर उसमें नुकसान केवल आपका है आई थिंक. तो ऑनेस्टी टू वनसेल्फ इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट. या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. लाइक इवन फॉर मी आई फील कि जस्ट फिक्सेटिंग ऑन कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है या कितने घंटे पढ़ा आज, उस पे नहीं आना चाहिए. बिकॉज ऑफन क्या होता है कि बस खोल के बैठे हैं और कुछ और चल रहा है दिमाग में, या फिर लाइक जो एफिशिएंसी वाली, लाइक यू हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट वर्क हार्ड. सो ये सबको पता होता है, लाइक एज अ कोड जो होता है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि कितने घंटे पढ़ना है, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन कि कितना पढ़ना है और लाइक क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. जैसे अगर टेस्ट प्रिपेयर करना है तो टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो जब तक वो नहीं हो रहा है, आई थिंक यू शुड कीप मेकिंग एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन. ऑब्वियसली दैट डजंट मीन कि 20 घंटे पढ़ो, 10 घंटे, लाइक 15 घंटे पढ़ो. स्टडी ओनली एज मच एज विच इज हेल्दी. सो ऑलवेज लाइक कीप योर माइंड लाइक इन द राइट शेप. सो डोंट ऐसा ना करो कि लाइक जस्ट नहीं हुआ, टेंशन में आके अब ठीक है हम तो 24 घंटे पढ़ेंगे, खाना भी नहीं खाना, कुछ नहीं करना, सोना भी नहीं है.
so don't do that. But again, like if you're consistent and roj, if you cover some like significant cheez cover kar rahe ho, agar roj jo pad rahe ho lag raha hai ki acche se padha and you are achieving something, so that is more important. So for some that might be like 4 hours, for some that might be 10 hours. So find your own jo sweet spot hai and keep consistent at that. So एक दिन 20 घंटे पढ़ के फिर 4 दिन नहीं पढ़ना, उससे बेटर है कि रोज 5 घंटे पढ़ लो फॉर एग्जांपल. सो एंड वो 5 घंटे शायद ज्यादा फ्रूटफुल भी होंगे. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड योर ओन नंबर देयर. सो डोंट आस्क समवन कि तूने कितने घंटे पढ़ा, वो बोलेगा 10 घंटे पढ़ा. उसमें 10 घंटे में उस पढ़ा 2 घंटे ही होगा, बट वो तुमको विल गिव यू टेंशन कि बाकी लोग इतना पढ़ रहे हैं, सो आई शुड ऑल्सो स्टडी 10 आवर्स. कितना घंटे पढ़ सकता है, तो अगर आप किसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछोगे कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे, वेरी वेल वो बोल सकता है कि मैं कल 4 घंटे पढ़ता था, 5 घंटे पढ़ता था. उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका 4-5 घंटे पढ़ के काम निकल जाएगा. तो वो 4-5 घंटे में कर पाता था, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर पाओ. तो जब भी आप ऐसा एडवाइस ले रहे हो रिगार्डिंग कितना पढ़ना चाहिए, उसके हमेशा यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आंसर कितना आ रहा है. आंसर अगर 4-5 घंटे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उतना ही पढ़ना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा था कि, और मैं टाइम टेबल के भी कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो मेरा टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ ऐसा था, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जिस चीज में इंटरेस्ट है वो अपने आप हो जाता है. तो मेरे को बैडमिंटन खेलने में काफी इंटरेस्ट था, और जो मेरे पीयर ग्रुप था जिनके साथ में पढ़ता था उदयपुर में एमडीएस में, वो ही मेरे काफी साथ में बैडमिंटन भी खेलने वाले ग्रुप था मेरा. तो रोज सुबह मैं 5-6 बजे उठ के यूनिवर्सिटी खेलने जाता था, एमएलएससी यूनिवर्सिटी, वहां पर खेल के 1 घंटा खेल के अपने आप घर में किसी को नहीं बताया कि चुपचाप रात में उठ के खेलने जाता था. फिर 1 घंटा खेल के आके फटाफट तैयार होकर स्कूल जाता था उन्हीं लोगों के साथ एक्टिवा पे बैठ के. तो वो जो एक्सपीरियंस है कि हाँ करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हो, जो आपको इंटरेस्ट है वो भी कर रहे हो, पर ऑनेस्टली पढ़ाई भी कर रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है वो. तो आई थिंक टाइम टेबल सबका पर्सनल होता है. अब मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि सुबह उठ के रोज बैडमिंटन खेलने जाओ, क्योंकि वो सबके लिए ऑप्टिमल नहीं है, सबके लिए वो सही चीज नहीं है. तो आपको खुद का टाइम टेबल तो अपने हिसाब से खुद से बनाना पड़ेगा. Relieve your stress or just decompress, but you need something more than just like some extra activity. So that could be badminton, that could be TT. I remember we used to play basketball and table tennis both, like after the whatever resonance whatever like coaching class ho jati thi, and uske baad that for 1 hour we would play whatever games at school, and then uske baad bhi I would spend some time at home maybe just reading about computer science or kuch side projects karna shuru karte coding wagera wale. So that was like personal to me ki mujhe wo acha lagta hai. So just find something which is healthy, maybe some sport or some game jisko tum like din mein maybe 30 minutes 1 hour deke if you can feel refreshed and like study with higher rigor, so wo kafi important hai. So yeah, just keep a balance, I would say that is important. I'm seeing more questions here about coaching material enough, or should we buy other books? In my opinion, this might be a little controversial, but मेरी opinion में coaching material enough रहता है. तो उसमें थोड़ा सा आप books extra कर सकते हो, पर उसमें पता होना चाहिए किस book में कौन से chapters अच्छे हैं. तो for example, I would say कि जैसे फिजिक्स के लिए कुछ मैकेनिक्स के लिए मैं भी रोडव कर सकते हो, मैं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए ग्रिफिन्स वगैरह कर सकते हो, पर पता होना चाहिए कौन से बुक में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और पर फिर भी मुझे लगता है कि जो कोचिंग मटेरियल उन्होंने पूरा सारे बुक्स सारे टाइप के क्वेश्चंस को काफी अच्छे से कंप्रेस करके आपके लिए दे दिया है. लाइक वो उनका जॉब है, वो उनका काम है, तो उन्होंने वो आपको अच्छे से करके दे दिया है. तो आई थिंक उस पर थोड़ा ट्रस्ट रख के मैंने तो प्रिपरेशन करी थी. बहुत लोग बहुत सारे बुक्स करते हैं, गलत नहीं है, पर मेरे को लगा था कि आई हैड ट्रस्ट इन दी टीचर्स और जो उन्होंने प्रिपेयर किया मेरे लिए मटेरियल, तो मुझे लगा कि इनफ है. या दैट्स ट्रू, एंड स्पेशली ऑन द क्वेश्चन साइड ऑफ इट. सो आई थिंक जो मटेरियल जो कोचिंग मटेरियल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी कुछ कवर करते हैं. सो कई लोगों का ऐसा मैट्रिक होता है कि मैंने 4 बुक और कर ली, सो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. अगर तुम कोचिंग मटेरियल को भी अच्छे से करते हो, लाइक
I don't know, अब क्या बोलते हैं उसको, सब already have used to have these ALP advanced level questions or advanced level problems. I think up now things have changed, but वो सब I think those were more or less enough like for a very decent performance like. Maybe you can get into top 1000 या ऐसा rank आ जाएगा अगर उसको अच्छे से कर रहे हो तो. Definitely अगर उससे और आगे जाना है top 100 में आना है तो you need to do a lot more and वो शायद तक काफी अलग tier है but I think yeah just to get a very good performance we should be satisfactory. I think coaching material is enough and what one thing which I found useful is just reading some book for motivation maybe. So अगर तुमको let's say physics पसंद है तो maybe reading the theoretical material from Halliday Resnick Walker that could be something which builds your interest ki acha actually mein hota kya hai aur like some real life examples honge usme some experiments honge ya kuch stories hongi ki scientists ne or whatever researchers ne kaise dhoonda us theorem ko us phenomenon ko ya jo bhi. So even for chemistry I think there was some J.D. Lee or some book jo ki inorganic ki is type ki like some detailed story. So कुछ लोगों के लिए वो यूजफुल हो सकता है इफ यू जस्ट लाइक टू रीड इट. अगर आई वुडंट से कि उसको पढ़ो ही पढ़ो बट इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि सिर्फ लाइक रटने से नहीं हो रहा सो मे बी यू कैन गिव अ ट्राई एंड जस्ट रीड इट एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कि जैसे नॉवल पढ़ते हैं उस चीज़ की बुक पढ़ रहे हैं. सो दैट माइट बी वन थिंग व्हिच माइट वर्क. यस आई थिंक वी विल टेक सम लास्ट क्वेश्चंस एंड रैप अप. तो एक क्वेश्चन जैसे कमलेश गुप्ता ने पूछा है कि हाउ शुड वी रिवाइज रेगुलरली. तो मेरे ख्याल से तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में तो उनके जो टेस्ट होते हैं आप उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो तो ऑलरेडी रिवाइज हो जाता है. अगर नहीं हो तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो उसमें मार्क करते जाओ, अलग अलग कलर कोडिंग रखते हो. फॉर एग्जाम्पल सर्कल ऐसा क्वेश्चन है जो प्रोबेबली हार्ड था और आप पहली बार में सॉल्व नहीं कर पाए. स्टार ऐसा क्वेश्चन है जो ईजी था पर कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से इलस्ट्रेट करता है. तो ऐसे अलग अलग आप मार्क करते जाओ और फिर लास्ट में और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ. नोट्स में अलग अलग तरह से कोडिंग करते जाओ, कलर कोडिंग ऐसे टाइप के सिंपल से. तो लास्ट में आपका बहुत फटाफट रिवाइज हो जाता है और वो चीज बहुत बार बार रिवाइज रहती है. जैसे आप बार बार टेस्ट दे रहे हो, कोई एग्जाम्पल प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ऐसे ही संडे को रिविजन कर रहे हो. तो मेरा ऐसा हो गया था कि जब मैंने इतने बना लिए तो लास्ट में मेरा रिविजन मतलब पूरे सब्जेक्ट का केवल 20-30 मिनट में हो जाता था क्योंकि मैंने सब कुछ मार्क कर रखा है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और वो ही चीज में बार बार रिवाइज कर लिया था. तो धीरे धीरे वो फिल्टर होता जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है. आई थिंक या जस्ट टू ऐड टू दैट लाइक मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड वो काफी लाइक जस्ट मेकिंग नोट्स आप में भी एवरी क्लास एवरी वीक जब रिवाइज कर रहे हैं तब भी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक so there were maybe I'd say two things which were very important like which were very fruitful for me while preparing. So one was making notes and like, just referring to them and making them again aisa. And the other thing was appearing for a lot of practice tests. So JE actually mein to test hi hai, so for that sirf content ke alawa you should know how to solve problems quickly or kaise unko like kaise handle karna. So some people are even saying ki question solve nahi ho raha ya is tarah ki jo kaise handle karna hai. So I think the best way around that is to just appear for a lot of tests. So uske liye maybe take some test series and कुछ फ्रेंड सर्कल में व्हाटएवर पीयर ग्रुप यू हैव उसमें तीन चार लोग मिलके एक टेस्ट को जो टाइम उसका होता है 3 घंटे 1.5 घंटे व्हाटएवर उसमें उसको लाइक अटेम्प्ट करो एंड देन डिस्कस द क्वेश्चंस और ट्राई टू फाइंड स्ट्रेटजीज की कैसे करना है. सो या दैट वाज अनदर थिंग व्हिच वाज वेरी यूजफुल फॉर मी लाइक जस्ट गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट. आई थिंक हर एक दो दिन में वी यूज्ड टू गिव वन टेस्ट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स बट या दैट वाज इन 12th क्लास. अभी 11th में शायद तक इतना रेलेवेंट नहीं होगा. But yeah, 11th me the notes part is very relevant. I think ki take the notes and one important thing there would be ki aise mindlessly bas copy mat karo notes. Kai log karte hain ki material kholenge usme se bas equations dekh dekh ke likhte jayenge apne notes mein. So that is not very useful. Instead of that just read everything and try to make the notes by yourself ki khud se apni memory se banao. So usme apne khud ke personal conclusion honge, personally jo cheeze hard lagi wo do not just copy the notes from somewhere like a friend copy kar liya photo copy kar liya that doesn't help. It's actually the process of making notes which is helpful. Yes apan ek last question le lete hain jo common theme aa raha hai like Javin Kalra ne pucha hai, Keshav Maru ne pucha hai aur pehle bhi logon ne pucha hai ki distractions ka aap kya karte the. So why don't you go ahead and address this question.
Yeah, I think distraction mein, it's very important. Like up to especially at that time, we didn't have like smartphones. It was prevalent. Nahi the. I think I had a, I didn't have a smartphone. I don't remember actually kaun sa phone tha jab mere paas. But anyway, yeah, don't disable all notifications. I would say WhatsApp ki to band. Like even now, I don't have WhatsApp notifications enabled. Like jab main WhatsApp kholunga, tab dikhenge messages. I don't want my phone ki wo baje and it tells me ki message aaya. Fir main jo padh raha hu, sab chhod ke, whatever kaam kar raha hu, chhod ke. WhatsApp देखने जाऊँ या something like that. So I would say कि बंद कर दो notifications तो सारे. Like only when you have time and you have that कि ठीक है आप खोल के देखते हैं तब देखो. Like don't be controlled by WhatsApp, Facebook, whatever. कि अभी ये चल रहा है and don't let them interrupt you. So I wouldn't say कि उसको बंद कर दो एकदम. कुछ लोगों के लिए like it might be important just to and especially now lockdown वगैरह है तो staying in touch with your like peer group teachers everything so maybe don't get distracted when you're studying ek ghante ke liye so just study in that one hour don't like have your mind wander around ki ye bhi kar lete hain wo bhi kar lete hain beech mein ek baar check kar lete hain 10 second lagenge like just getting into a flow is very important ki ek baar jo kar rahe hain uske like usi pe focus karo and jab fir jab relax kar rahe ho jab de-stress kar rahe ho tab fir us pe focus karo like do everything एक मल्टीटास्क करने की जरूरत नहीं है हमेशा कुशल डू यू हैव एनी पॉइंट्स आई थिंक डिस्ट्रैक्शन तो एवरीवन फेसेस दैट नो हां मेरे को डिस्ट्रैक्शंस थे तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शंस थोड़े अलग से थे कि भाई जैसे मेरे को खेलना ही है बैडमिंटन तो वो थोड़ा मेरे को बोलते थे कि थोड़ा कम खेलो तो मैं उस चीज को कॉग्निसेंट था मैं उस चीज को ध्यान देता था पर एकदम एलिमिनेट नहीं करता था पर कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो हेल्पफुल नहीं होते जैसे यश ने बोला कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस मेरे पास तो मोबाइल भी नॉर्मल नोकिया टाइप मोबाइल था तो आई थिंक उसको प्रोएक्टिवली आपको डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करके उसको कुछ ना कुछ आपके हिसाब से मेथड निकालना पड़ेगा कि जैसे नोटिफिकेशन का मेथड बता दिया कोई और मेथड बता दिया कि कोई और मेथड हो गया कि मैं बहुत टाइम बाद लाइक दो तीन घंटे एक बार फोकस करके पढ़ूंगा फिर 15 मिनट में अपना मोबाइल चेक करूंगा तो वो चीज आप डेवलप कर सकते हो तो उसको एक्टिवली आइडेंटिफाई करना और उस पे वर्क करना इम्पोर्टेंट है राइट आई थिंक उसमें ऐसा है लाइक ऐसा टाइमर भी सेट कर सकते हो कि अब लाइक जब तक 12 नहीं बजे लेट्स से 11 बजे तक 12 नहीं बजे तब तक तो कुछ और नहीं करना है उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग सो एक टाइम सेट टारगेट कि 12 बजे तक पढ़ना है एंड उस टाइम में मत सोचो उसके अलावा जो भी है वो उसके बाद कर सकते हो नथिंग इज रनिंग अवे सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रैक्शन से मत जाओ एंड इवन आई थिंक एज कुशल सेड कि थोड़े और लॉन्गर टर्म डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं नॉट जस्ट नोटिफिकेशन बैडमिंटन हो गया मे बी किसी की गर्लफ्रेंड होंगी या वट एवर लाइक ऐसे कुछ भी हो सकता है सो उसको आई वुड से यार बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट मे बी ट्राई नॉट टू गिव मोर देन हाफ आवर वन आवर अ डे and keep that as your refreshment yeah as your de-stress method like don't make it jo din bhar chalne wali cheez hai so yeah that would be my suggestion for that yes I think we can wrap up because ek aur hame session karna hai so yeah right do you think it's a good time to wrap up yeah and yeah as I think the Dragon Academy also posted we'll circulate a Google form and whatever questions you think like remained unanswered you can post those there and collect it maybe next time whoever comes here for the session they can just address those or even your teacher so I think teachers are a good way to get answers to many of these things so just ask your faculty like kabhi bhi kuch bhi like don't need to wait for someone to come again and tell you so That's the best thing, I would say. जो भी unanswered है उसके लिए just talk to your faculty and they know best thing. They have so we have done it one time. हमने एक बार JEE किया था. वो हर साल कराते हैं मुझसे. They know a lot more. Yeah, that's it. Any closing remarks from you? I think yeah, this is just great. Looking forward to more session questions. Had feedback from all of you. Great. Yeah, this was a great session. Okay. Thanks, Sushil. Yeah, thanks.